हेलो गाइस, यहाँ पे है आज मेरे पास रेडमी का 13C फ़ोन। इस फ़ोन में पैटर्न लगा हुआ है, तो पैटर्न भूल चुके हैं। तो आप भी अपने फ़ोन का पैटर्न भूल जाते हैं तो किस तरीके से आपको फ़ोन को ऑन करना है ये आपको बताऊंगा। फ़ोन को हार्ड रीसेट करके बताता हूँ किस तरीके से इस फ़ोन को हार्ड रीसेट करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फ़ोन को ऑफ़ करना पड़ेगा। ऑफ़ करने के लिए ये पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ प्रेस कीजिए, इस तरीके का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से स्वैप अप कर देना है, फ़ोन जो है ऑफ़ हो जाएगा। ऑफ़ होने के बाद यहाँ पे देखिए पावर बटन है और ये वॉल्यूम अप बटन, दोनों को एक साथ प्रेस करना है कुछ इस प्रकार से। ये देखिए पावर बटन, 2 सेकंड के बाद वॉल्यूम अप बटन। जैसे फ़ोन वाइब्रेट करेगा एमआई का लोगो आएगा, पावर से फिंगर को हटा देना है और वॉल्यूम अप को कंटिन्यू दबाए रखना है। उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर रिकवरी मोड में आ चुका है, यहाँ पर टच काम नहीं करेगा। ओके, तो वॉल्यूम डाउन से और वॉल्यूम अप से यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट में जाना है, वाइप डाटा है, यहाँ पे पावर बटन प्रेस करना है एंटर के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए वाइप ऑल डाटा है, वॉल्यूम डाउन से वाइप ऑल डाटा में जाते हैं, पावर बटन प्रेस करते हैं एंटर के लिए। यहाँ पर कन्फर्म करने के लिए फिर डाउन और यहाँ पर पावर बटन प्रेस करेंगे एंटर के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन जो है पूरा वाइप हो रहा है। यहाँ पे कुछ समय टाइम लेगा, अभी पेशेंट आपको रखना है, फ़ोन को कुछ भी नहीं करना है, जो हो रहा है होने दीजिए कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा वाइप सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पे एक ऑप्शन है बैक टू मेन मेनू, सिर्फ पावर बटन एक बार प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर रिबूट का ऑप्शन आ गया, फिर से पावर बटन एक बार प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिबूट टू सिस्टम है, फिर से यहाँ पर एक बार पावर बटन प्रेस कर देते हैं। अब ये जो फ़ोन है ऑटोमेटिक ऑफ हो गया है, अब ऑन होगा और कुछ भी नहीं करना है, कुछ इस प्रकार से रख देना है और जो हो रहा है होने दीजिए। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ड रीसेट करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज में आता है। उसके बाद इस वाले बटन को क्लिक करना है, एरो पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए लैंग्वेज सेलेक्ट करने वाल रहा है, यहाँ पर इंग्लिश है, नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर रिलीजन सेलेक्ट, ऑटोमेटिक इंडिया है, नेक्स्ट करता हूँ। और यहाँ पे देखिए सेटिंग रीजन हो रहा है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको पूरा स्टेप फॉलो करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए आई हैव ऑल रीड टर्म एंड कंडीशन जो होता है टिक करके यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका सिम कार्ड अगर फ़ोन में रहेगा तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए वाईफाई मांग रहा है, तो वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। आपका अगर जीमेल आईडी पासवर्ड है तो आप अपना फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं वाईफाई मैं कनेक्ट कर दिया हूँ, कनेक्टिंग दिखा रहा है, ये देखिए कनेक्ट हो गया। ओके, और यहाँ पे डाउन में आप देख सकते हैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर गेटिंग योर फ़ोन रेडी करके ऑप्शन आ गया, ये बफरिंग हो रहा है, होने देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों टाइम लग सकता है, पेशेंट बनाए रखिएगा, आराम से खुल जाएगा फ़ोन। और आपका अगर जीमेल आईडी पासवर्ड है तो तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे अभी आपको दिखा दे किस तरीके से ये फ़ोन ओपन होता है। तो यहाँ पे देखिए कुल नॉट कनेक्ट करके एक ऑप्शन आ गया, लेकिन यहाँ पे स्किप का भी ऑप्शन आया हुआ है, तो जितना भी स्किप का ऑप्शन आएगा मुझे स्किप करते हुए निकल जाना है। ये देखिए स्किप कर दिए, यहाँ पर जस्ट अ फ्यू मोमेंट। तो यहाँ पर भी बफरिंग हो रहा है, यहाँ पर भी थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का पेज आया, कॉपी ऐप एंड डाटा, यहाँ पे है डोंट कॉपी और नेक्स्ट। तो यहाँ पे डोंट कॉपी करता हूँ और यहाँ पे चेकिंग इन्फो का पेज आ गया, इसमें भी बफरिंग हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा, आपको पूरा पेशेंट बनाए रखना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखिए फिर से बफरिंग हो रहा है, चेकिंग इन्फो, और उसके बाद हमको लगता है कि ये जो फ़ोन है खुल जाएगा पूरा। अब देख लेते हैं, ये देखिए गूगल वाला पेज आ गया। ओके, साइन इन, और यहाँ पे देखिए स्किप का भी ऑप्शन आया। आपका अगर फ़ोन में जीमेल आईडी पासवर्ड मांग रहा है और यहाँ पे स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो अपना जीमेल आईडी पुराना जो लॉगिन था फ़ोन में उसे डाल के आप निकल लिए। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्किप करूँगा मैं और यहाँ पर फिर से स्किप करूँगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए गूगल सर्विस, मोर मोर एक्सेप्ट, बफरिंग हो रहा है, वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ एप्लीकेशन आ गया है जिसे आपको टिक वगैरह करना है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं गूगल करता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड डाल सकते हैं। यहाँ पे स्किप का ऑप्शन है, सिंपली मैं स्किप करूँगा। और स्किप करने के बाद थोड़ा सा फिर आपका बफरिंग देखने को मिलेगा,
तो यहाँ पे भी आपको वेट करना है, इस तरीके से स्क्रॉल अप करके यहाँ पे नेक्स्ट करना है। इस तरीके का वॉलपेपर चाहिए या नहीं चाहिए, एग्री कर सकते हैं, स्किप कर देता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए प्रीपेडिंग सिस्टम है MIUI 14, तो यहाँ पे अभी वेट कर लेना है, फ़ोन जो है अब पूरा फाइनल ओपन होने वाला है। यहाँ पे देखिए एरो बटन है, एरो बटन प्रेस करते हैं, सेटअप कंप्लीट हो गया मेरा। ये देखिए फ़ोन जो है पूरा ऑन हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से गाइस आप अपने फ़ोन का लॉक को रिमूव कर सकते हैं। अभी आपको स्क्रीन लॉक करके दिखाते हैं, ये स्क्रीन लॉक है और यहाँ पे देखिए अनलॉक कर देता हूँ। यहाँ पे पैटर्न मांगा ही नहीं। तो आप अपने फ़ोन को अगर हार्ड रीसेट करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं।